forget to like the video and don't forget to subscribe. Hello friends, स्वागत करता हूँ सभी को मेरे YouTube चैनल पर. अपन पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और इसी सिक्वेंस में एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डिटरमिनर क्वांटिफायर, जिसमें पहले मैं अ लिटिल ऑफ यू सम और एनी के बारे में बात कर चुका हूँ. और अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो क्वांटिफायर, जो कि हैं मैनी और सेकंड है मच, के बारे में बात करने वाला हूँ. देखिए, मैनी और मच जो दो क्वांटिफायर हैं, दो डिटरमिनर हैं, जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, इनके बारे में पहले मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों में कॉमन थिंग क्या है. इन दोनों में कॉमन थिंग है कि दोनों का यूज जो होता है वो नाउन से पहले किया जाता है. देखिए, दोनों का यूज, चाहे मैनी हो चाहे मच हो, मच और मैनी का प्रयोग जो है, मैनी का प्रयोग अपन कर रहे हैं नाउन से पहले, और जो मीन होता है, जो सेंस होता है, वो होता है मोर देन नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक. जो भी वस्तु है, जो संख्या, जो भी नाउन है संख्या या मात्रा में, उनसे पहले अपन मैनी और मच का प्रयोग करते हैं. अब बात करूँगा इनके अर्थ की, इनके मीन की. तो उसका मीन होता है कई या अनेक. मैनी का अर्थ क्या होता है? कई या अनेक. और जहाँ मैं बात करूँ मच के अर्थ की, तो उसका मतलब होता है ज़्यादा या अधिक. और ये ज़्यादा जो अधिक है वो किस में होगा? वो होगा मात्रा में. किस में होगा? मात्रा में. और ये अनेक जो है वो होगा हमारे संख्या में. किस में होगा? संख्या में. तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा ही सकते हैं कि मैनी का प्रयोग कहाँ होने वाला है और मच का प्रयोग कहाँ होने वाला है. अब बात करेंगे अपन डिफरेंस की. देखिए, दोनों का यूज़ तो हो रहा है नाउन से पहले, लेकिन डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर. तो डिफरेंस आपको बता दूँ कि मैनी का प्रयोग जो है वो हमेशा होगा प्लूरल नाउन से पहले. कहाँ होगा? प्लूरल नाउन से पहले होगा. और मच जो है, मच का प्रयोग होगा हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ. किसके साथ होगा? सिंगुलर नाउन के साथ होगा. अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? ये प्लूरल और सिंगुलर हो गया. तो सिंगुलर नाउन जो है वो दो टाइप का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का. लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो यहाँ अनकाउंटेबल, वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा जिसको अपन गिन नहीं सकेंगे. हमें पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है? वो सिंगुलर फॉर्म में होता है. और बात करें मैनी की, तो मैनी का प्रयोग हमने बताया प्लूरल फॉर्म में होने वाला है, प्लूरल नाउन के साथ होने वाला है. और ये प्लूरल नाउन जो है वो हमेशा किसका होगा? काउंटेबल नाउन का होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का तो एक ही फॉर्म होता है और वो फॉर्म कौन सा है? सिंगुलर. और काउंटेबल नाउन जो है उसमें दो फॉर्म होती है, सिंगुलर और प्लूरल. लेकिन मैनी का प्रयोग अपन करने वाले हैं प्लूरल फॉर्म के साथ, और नाउन कौन सा होगा? काउंटेबल नाउन होगा. देखिए, मैनी और मच में क्या हुआ? दोनों का प्रयोग नाउन के साथ होता है. अर्थ क्या होता है? कई अनेक संख्या में, ज़्यादा अधिक या ज़्यादा अधिक इसमें होगा मात्रा में होगा. अब बात करें दोनों के डिफरेंस की, तो इसका प्रयोग, मैनी का प्रयोग अपन करने वाले हैं प्लूरल नाउन से पहले, और मच का प्रयोग करने वाले हैं सिंगुलर नाउन से पहले. ये नाउन काउंटेबल होगा और ये नाउन अनकाउंटेबल होगा. तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हाउ का प्रयोग मैनी के साथ, मच का प्रयोग हाउ के साथ. हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग अपन करते हैं मात्रा या संख्या की, जो संख्या दी है, जो संख्या दी है या जो मात्रा बताई गई है, इस मात्रा की संख्या या जो नाउन है उसकी संख्या या मात्रा को जानने के लिए अपन इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? हाउ का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें जो भी नाउन है वो कितनी संख्या में है या कितनी मात्रा में है वो जानने में आसानी हो जाती है. और हाउ का प्रयोग होने के बाद सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इंटरोगेटिव साइन, जो कि क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क होगा. और सेंटेंस में क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा, क्वेरी की जा रही होगी कि ये जो संख्या है वो कितनी है, ये जो मात्रा है वो कितनी है. तो संख्या और मात्रा को जानने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? हाउ का. किसके साथ? मैनी और मच के साथ. देखिए, दोनों का प्रयोग नाउन के साथ हो रहा है,
सिंगुलर प्लूरल है, अर्थ मैंने आपको बता दिया है, और ये इस दोनों के अंदर कॉमन थिंग थी, और डिफरेंट मैंने करके दिखाया। डिफरेंस आपको क्या बताया, एक का प्रयोग संख्या के साथ हो रहा है और दूसरा का मात्रा के लिए, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, जिससे अपन को ये सब समझने में बहुत और मच और मैनी के यूज़ पढ़ने के बाद अब मैं लेने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स में है, मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो लिया है, एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट वाला है देयर आर डैश स्टूडेंट्स। यह स्टूडेंट जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है और इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उनके साथ अपन प्रयोग करेंगे मैनी का, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है। सेकंड है देयर इज डैश वाटर। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हमेशा जो है वो अपन मच के साथ करेंगे, या कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होता है के साथ अपन मच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ डैश स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगेन प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, तो हाउ के साथ स्टूडेंट्स की संख्या जानने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का प्रयोग करेंगे। लास्ट है हाउ डैश मिल्क। मिल्क जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में, तो पूछा गया है हाउ डैश मिल्क इज इन द जग, जग में कितना दूध है, तो इस मात्रा को जानने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मच का प्रयोग मैंने आपको बताया, मैनी का प्रयोग आपको बताया, एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको समझाया भी है कि दोनों का यूज जो होता है वो होता है नाउन के साथ, और नाउन में क्या है दोनों का मतलब जो होता है वो होता है मोर देन नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। अब बात करें मैनी की, तो मैनी का प्रयोग करेंगे अपन संख्या के साथ और मच का प्रयोग करेंगे मात्रा के साथ। जो मैनी है, मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन जो कि काउंटेबल फॉर्म में होता है के साथ किया जाता है, और मच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है जो कि नाउन अनकाउंटेबल होता है। इन दोनों का प्रयोग अपन हाउ के साथ भी करते हैं, हाउ मच और हाउ मैनी। तो एक हाउ मैनी का मतलब होता है संख्या या मात्रा के बारे में जानने के लिए, सॉरी संख्या के बारे में जानने के लिए, और हाउ मच का मतलब जो प्रयोग होता है वो होता है मात्रा को जानने के लिए। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।